यहाँ हमारा पड़ोस में गांव है, शायद कटारपाड़ा है, कटारपाड़ा करके नवा टापरा। तो नवा टापरा जो कटारा गोत्र है, कटारा गोत्र के भाणेज थे, तो जब कटारा है उनको जोर से बोलना पड़ेगा, और क्योंकि कटारा कभी कभी कहते हैं कटारा कट जाएगा लेकिन कटारा झुकेगा नहीं कहते हैं। तो इस लड़ाई में सबसे पहले कटारों को आना है और कटारा के साथ में हम कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और यहाँ पर हमारे जो सिरा वापसी लगाया था उस सिरा वापसी को कुछ लोग ले गए, यूं कह रहे हैं आने वाले समय में हम सब मिलके यहाँ लगाएंगे वापस। हम क्या थे, हमारा समाज, हमारा खून क्या था, हमारे पूर्वज कितने ताकतवर थे और इन पार्टियों वालों ने हमारे लोगों को कितना गुलाम बना दिया था। लेकिन ये एक मंच, ये विचारधारा, इस विचारधारा ने हमारा जो समाज इन संगठन वालों ने मानसिक रूप से गुलाम बना दिया था वो वापस खड़ा हो गया है। और अब खड़ा हो गया है तो उसने निसने वो स्थाई जमाने वाले थे। अभी लगभग 12 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट है, सभी वक्ताओं को अपना समय निर्धारित करके दिया है। कई वक्ताओं ने अलग अलग प्रकार की बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आज ये इतिहास में नाम दर्ज होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि हमारे पूर्वज एकत्रित हुए थे और सभी ने मिलकर चंदा करके इसको संतल कराया और आदिवासियों के लिए ये रिजर्व कराया, इतिहास में पढ़ा जाएगा। अभी कल पौधे लगाए, आज पौधे लगाए, हमने भी एक अभियान चलाया। 84 विधानसभा को सागवाड़ा विधानसभा से जितनी गाड़ी आई प्रत्येक गांव से एक एक पौधा आज लगा के जाएंगे हम यहां भी। आज हमारी विधानसभा से प्रत्येक गांव से एक एक पौधा इस बेणेश्वर की धरती पर लगा के जाएंगे और कभी कभी पानी भी पिलाने आएंगे यहां पर। अभी आज हमारा समाज को किस तरह एक नई दिशा दे, कैसे संगठित करे, हमारे समाज के सामने क्या आपत्ति आ रही है, क्या क्या कठिनाई आ रही है, सबसे बड़े कठिनाई पाखंडवाद। पाखंडवाद को लेके हमारे कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, एक कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा, इसको आपको गौर से सुनना है। एक गुजरात के दो बाबे थे और वो गुजरात के दो बाबे यूपी में एक संध्याकालीन पाठ पूजन करने गए थे। गुजरात के वो दो मत समझना जाना हा, गुजरात के दो बाबे थे यूपी में पाठ पूजन करने गए और गुजरात से ट्रेन में गए यूपी में, वहां एक जिला था वहां उतरे, उतर के गांव में गए और उनको रास्ता नहीं पता था कि वो पाठ पूजन करने जा रहे हैं। उस जगह का नाम तो पता था लेकिन रास्ता नहीं पता था। और रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिल गया और इस बच्चों को उन बाबों ने पूछा कि बेटा उस फलानी जगह जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो उस बच्चे ने कहा बाबा उधर से इधर जाना, उधर से उधर जाना, आगे से दाएं मुड़ जाना। तो बाबा बोला मेरे को समझ में नहीं आया। तो बच्चे ने कहा फिर कहा इधर से उधर मुड़ जाना, उधर से उधर जाना। तो बाबा ने कहा बच्चा मेरे को इस रास्ता दिखा दे। उस बाबा ने उस बच्चे से क्या कहा कि बेटा मुझे रास्ता दिखा दे वहां जाने का। तो बेटा वो बच्चा उस बाबा को पकड़ के लेके चलने लगा और उस बच्चे ने पूछा बाबा को कि बाबा कहाँ से हो। उसने कहा गुजरात से हूँ, यहाँ क्या करने आए हो। तो संध्याकालीन शाम को पाठ पूजन करूंगा। तो बच्चे ने पूछा उस पाठ पूजन में क्या करोगे। तो उन्होंने कहा मैं वहां लोग आएंगे और उन लोगों को मैं स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा। तो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहने लगा जिस बाबा को खुद का रास्ता नहीं पता है वो खाक स्वर्ग का रास्ता बताएगा, जिस बाबा को खुद का रास्ता नहीं पता है वो खाक स्वर्ग का रास्ता बताएगा। एक छोटे से बच्चे को ये बात समझ में आई और हमारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे अभी तक किसको समझ में नहीं आ रहा ये पाखंडवाद क्या चीज है। मतलब एक बच्चे को समझ में आ गया कि जिस बाबा को खुद का रास्ता नहीं पता है वो खाक स्वर्ग का रास्ता बताएगा।
मार तरफ थी कि इस काम थी गयु लगे। आज हमारा समाज कई बातों को लेके देश के अंदर जो स्थिति बन रही है, आदिवासी समाज को लेके पूरे देश में, हम पूर्वी भारत में जाते हैं, इधर दक्षिणी भारत में जाते हैं, सब जगह आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। सभी राज्यों के अंदर आदिवासी समाज के रिजर्वेशन के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं भी आदिवासी समाज के नाम से संगठन बनता है, आदिवासी की एकता की बात करता है, आदिवासियों के लिए लड़ता है, तो ये लोग क्या कहते हैं? नक्सलवाद। आदिवासी की एकता की बात करते ही नक्सलवाद का आरोप लगाते। अभी मैंने 1 तारीख को वो आ रहे हैं, वो बाबे, दो बाबे नहीं, दूसरे वाले बाबे आ रहे हैं, और आज के बाद से पूरे बिल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, तत्कालीन वर्तमान का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर हमें एक अभियान चलाना है। अगर किसी ने भी नक्सलवाद या बंदवासी बोला तो उस पर एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, और हम विधानसभा में भी एट्रोसिटी के अंदर यह प्रावधान करवाने की कोशिश करेंगे कि आदिवासियों को नक्सली बोला या वनवासी बोला तो उस पर एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज हो, और देशद्रोही तो बोला तो भी इस पर मुकदमा दर्ज हो। सारे देश को भेज दिया और कहते हैं देशभक्त हैं। उन लोगों ने पूरे देश को भेज दिया और कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, पर देशभक्त देश के मालिक तो यहां बैठे हैं। आज देश के अंदर आज ये इतने सारे लोग आए, हम खुशी हुई। हमारा आसपुर के साथी आए, भी जानकारी मिली कि यहाँ गौशाला के लिए बेणका की जमीन को रिजर्व कर दिया। गोपिये के राज में तो गौ तो गाय रोड पे घूम रही है भाई, रोड पे मर रही है हमारी गाय, और ये गाय के नाम से जमीन को रिजर्व कर रहे और आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे। आज रिजर्वेशन को लेके मैं बता रहा था कि इतने सारे हमारे पब्लिक आए, हमारे आदिवासी भाई आए, मध्य प्रदेश से आए, गुजरात से आए, ये हमारी ताकत है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारी मूल जो ताकत है, हमारी जो मुख्य ताकत है, उस ताकत को हम गिरवी रख के आए हैं। हमारी जो मूल ताकत है, इस लोकतंत्र की मूल ताकत है, उसको हम हर 5 साल के अंदर गिरवी रख लेते, रखा नहीं रखा। मूल ताकत क्या है? हमारा मत है, वो मूल ताकत है, और हमारे मत के माध्यम से हमारी बात विधानसभा लोकसभा में जाती है, और उस ताकत को हम लोकसभा और विधानसभा वोट आता है उस समय हम गिरवी रख देते हैं, वो हमारी मूल ताकत है। लेकिन ये विचारधारा आने वाले समय में पूरे बिल प्रदेश के अंदर इस देश का सच्चा लोकतंत्र क्या है, वो लोकतंत्र स्थापित करने का काम करेगा। हमें पब्लिक को समझाना है इस संविधान के अंदर जो टिकट और पार्टी का कहीं हवाला नहीं है, उस संविधान के अंदर मत का हवाला है, और वोट है वो महत्वपूर्ण है, और उस ताकत को हमें आजमाना है आने वाले समय में। तो हमें आज 2 विधायक आपने निकाले, आने वाले समय में आपके और कारगर रहेगा तो मजा आएगा। तो हमारी जो मूल ताकत है, हमारे पूर्वजों ने उसको हर 5 साल के अंदर गिरवी रखा। आसपुर वाला ने भी 2018 में रख दिया है, 2023 में बारी आ रही है, उधर बांसवाड़ा वाला ने भी रख दिया है। तेवे पूरु अटला समय थे कि जी मिल्यू है गन्ने, अटला समय थे कि हमारे से वोट लाने दूर रुपये की दो है, एना समय आवी गयो है, और ब्याज सहित चक्रवर्ती ब्याज सहित है तो पासो नहीं हुए, रिटर्न है लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र के अंदर प्रावधान है पब्लिक का राज, जनता का राज, तो सारी जनता नहीं जा सकती है, लेकिन जनता द्वारा चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में जाएगा। आपकी सोच के अनुरूप, आपकी विचारधारा का, आपके द्वारा सिलेक्शन किया हुआ आदमी जाएगा, तो उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी नक्सलवाद वनवासी बोलने की, हिम्मत नहीं होगी। विधानसभा में हम दोनों ने ऐसा ऐसा बोला, विपक्ष वाले पहले हमेशा वनवासी बोल भूल गए, वनवासी कहना भी थोड़ा थोड़ा भूल गए, जनजाति से वनवासी पे, वनवासी से भी जनजाति पे आ गए हैं, और आप चिंता मत करो आने वाले समय में जनजाति से आदिवासी पर भी आ जाएंगे। आज हमारे पूर्व वक्ता साहब संचालक महोदय पीछे खड़े हो गए हैं, लेकिन
मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, आज जिन वक्ताओं ने जो बात बोली है यहाँ पर सिर पर तालियां बजा के और यहाँ पर हमें सीना चौड़ा करके इतना ही करके भूलना नहीं है, ये बात गांठ बांध लेनी है और समय समय पे उसका मुकाबला करना है। गांठ बांध के घर पे ले जाना है, घर पे ले जाके गांव में बताना है और पूरे आदिवासी समाज को और आने वाले समय में देश लेवल पे पूरे एससी समाज को, ओबीसी समाज को, तीनों जो पिछड़ा दलित है, हमारे दलित भाई भी आवाज उठाते। मैं दिल्ली गया था जेएनयू के अंदर, आवाज उठाते उनको माओवादी का दर्जा दे दिया जाता है, उन पे भी आरोप लगाया जाता है। ये देश की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, हम सबको मिलके लड़ना है और आने वाले समय में बताएंगे कि यह कालिया जागी गया ही है वे और वे तुम्हारे बहकामा में नया बना ही। आने वाली पीढ़ी को हमें अच्छी शिक्षा देनी है और शिक्षा के माध्यम से हम लोग अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे अधिकारी, अच्छे प्रेस वाले भी, अच्छे पुलिस में भी, हर जगह अच्छे लोग भेजेंगे और आदिवासी समाज के अस्तित्व को, आदिवासी समाज के रिजर्वेशन को, संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। बेड़गा के जो डिमांड है जमीन का, सरकारें दे देती है आदिवासी महाकुंभ, लेकिन उन सरकारों को शर्मा नीची है, उन्होंने आदिवासियों के नाम से यहां पर कुछ नहीं किया आज तक। कई बड़े बड़े नेता आए, आदिवासियों को सिर्फ भीड़ तंत्र बना के रखा, लेकिन उनको भी एहसास कराना है कि यह खजूरम मामरी पुटलिम पेशावाला नहीं रह जाए, यह कालजा जागी गया है और तमन समय आवे त्राण तुम्हारे रोकवा काम करें। आप सभी को खूब खूब जोहार। आप सबने यहां पर जो आए शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर पे जाना है और इस बात को, इन बातों को गांव गांव, ढाणी ढाणी तक, परिवार परिवार तक प्रसारित करना है। एक तीर एक मान, एक तीर एक